होगी आपकी भाजपा। किरण जी आप अपनी बात करके पूरी कर दो बस, अध्यक्ष जी एक मिनट बस, ये लास्ट है, किरण जी लास्ट है इसमें बस, अब नहीं अध्यक्ष प्लीज, कोई बोलने ही नहीं दे रहा हमारे को, तो आप बोलने ही नहीं देते अध्यक्ष जी। ठीक 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 अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी नहीं 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 हुड्डा जी ने समर्थन कराया अध्यक्ष जी, अरे यार समर्थन करा फिर वही करो, एक मिनट प्लीज प्लीज, नहीं नहीं एक मिनट, किरण चौधरी को मैंने बोल दिया, एक मिनट प्लीज प्लीज, किरण चौधरी, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरा देश नाच रहा, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी इस फैसले से पूरा देश खुश है, कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए खुश नहीं है इससे, आ जाओ जयप्रकाश जी प्लीज प्लीज बैठिए, स्वामीनाथन का विषय था जो विषय है उस पर बात करो, आप विषय से बाहर बात कर रहे हैं जयप्रकाश जी, किरण जी, किरण जी नहीं नहीं कुछ प्लीज प्लीज, लास्ट लास्ट, किरण जी, किरण जी, किरण जी, किरण जी, मैं एक बात करके रैप करती हूँ, आपका ही बोल रहा है, मैं किरण जी आपका नाम बोल रहा हूँ, मैं ये सदन में ये बात रखना चाहती हूँ, नहीं 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 शांति से सुनिए, आप लोग सुनते तो है नहीं, एक मिनट किरण जी की बात सुन लो, अध्यक्ष जी मैं सदन पटल पे आज ये बात रखना चाहती हूँ कि इस देश की आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी ने, जैसे हमारे मंत्री जी यहाँ बैठ के कह रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बात इन्होंने कही है, कांग्रेस पार्टी ने अपने खून की बलिदान कांग्रेस के लीडर्स ने दिया, आप मेरी बात तो सुनिए, मैं वही और देश हित में जो भी है कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी होती है और हम साथ खड़े होंगे, ये बोल रही हूँ मैं, अब ये किसने गया, देश का विभाजन लाखों लोगों का कत्ल, देश का विभाजन, देश का दो टुकड़े, कश्मीर समस्या, लाखों लोगों का कत्ल, देश का विभाजन, देश का विभाजन, लाखों लोगों का कत्ल, मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, आप लोग प्लीज, देश का इतिहास, देश का इतिहास नहीं बदल सकते, देश का इतिहास नहीं बदल सकते आप, मैं जो बात कह रही हूँ ये इनको समझ ही नहीं आ रही है, मैं बोल रही हूँ, एक मंत्री जी, मंत्री जी बात हुई, मंत्री जी बगैर सुने बगैर वो करे यो ही अपने बोले जा रहे हो, आपको समझ नहीं आई मैं क्या कह रही हूँ, और अगर धारा 370 समाप्त करिए, पिछली बार करनी चाहिए थी, आपके पिछले घोषणा पत्र में थी, हम कहते हैं पिछली बार क्यों नहीं करी, मंत्री जी प्लीज 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 पानी भी दो, जोर से मत बोलो प्लीज प्लीज, ये बिल्कुल गलत बात है, ये हम यहाँ पर आज अध्यक्ष जी हम आपका सहयोग देने के लिए खड़े हुए हैं प्लीज, सहयोग देने के लिए खड़े हुए हैं महिपाल जी, और ये मंत्री जी को समझ नहीं आ रही है प्लीज, इनका पता नहीं क्या खा गया है आज, चलो कोई नहीं, सीएम साहब मैं समर्थन कर रही हूँ ये उल्टा कह रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और ये उल्टा बोल रहे हैं, ये उल्टा बोल रहे हैं, हम तो समर्थन कर रहे हैं, ये कोई बात है, ये प्रसन्न हम ये देश हित में जो भी देश हित है उसके लिए कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है, ठीक सबसे आगे प्लीज, डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज, ठीक प्लीज 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 प्लीज, असीम जी नब बैठी, अब नहीं मंत्री जी, मंत्री बेदी जी, बेदी जी, ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी प्लीज प्लीज बैठिए, पवन जी बैठिए, ये प्रस्ताव अभी हुड्डा साहब ने भी कहा, सबने कहा सर्वसम्मति से पास किया जाता है, माने एक मिनट कहां क्वेश्चन, कहां क्वेश्चन, एक मिनट बैठे भाई, बैठी दांगी साहब प्लीज प्लीज, नहीं अब मैं प्रश्नकाल शुरू करूंगा, नहीं नहीं बहुत हो लिया,